डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे के दौरान तत्परता समर्पण व मानवीय संवेदनाओं के लिए आयुक्त देवी पाटन मंडल शशिभूषण लाल सुशील की अध्यक्षता में गोंडा जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद कार्यक्रम कर राहत बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्थानीय ग्रामीणों को सम्मानित किया गया। जो ग्रामवासी हैं उन्होंने जिला प्रशासन के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ और सीएमओ साहिबा की टीम के साथ यानी मेडिकल टीम के साथ, इन सब के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा कार्य किया था बचाव कार्यों में, राहत और बचाव कार्यों में। और ये भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले रेस्पॉन्डर्स वही थे, चूँकि वो मौके पर उपलब्ध थे, वो उन्होंने बहुत ही आपस में तालमेल बनाते हुए बहुत तत्परता के साथ जो घायल व्यक्ति थे उनको ट्रेन के पीछे से बाहर निकालना, उनको प्राथमिक चिकित्सा देना, पानी देना और भोजन इत्यादि देना, जो घायल थे उनको व्यवस्थित करके ठीक प्रकार से लिटा देना और उनके सामान को सुरक्षित रखना, ये सभी काम उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने संपन्न किया था। गाड़ी के जो कोचेस थे उनके शीशे तोड़कर गाड़ियों को बाहर निकालना, कोच के नीचे से निकालना, तो इसीलिए जो यहाँ के ग्रामवासी हैं उस दिन मौके पर जो भी लोग उपस्थित थे उनको जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित करने के लिए, क्योंकि उनका उत्साहवर्धन करने के लिए और ये जो उन्होंने सहयोग किया है वो दूसरों के लिए अनुकरणीय और इस उद्देश्य के साथ उन लोगों को, समस्त ग्रामवासियों को मौके पर जो लोग तुरंत वहाँ पर उपस्थित थे उनको सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम किया। कितने लोग ऐसे कि 56 लोगों को सम्मानित किया, उसमें छोटे बच्चे भी हैं। जो सबसे छोटा बच्चा मेरे ख्याल से उसकी आयु 13 वर्ष 12 वर्ष, इस तरह के बच्चों ने भी घायलों को पानी पिलाने में, हड्डियों से पानी यहाँ से वहाँ ले जाने में उन्होंने बहुत सेवा की। वास्तव में बहुत गहरी मानवीय संवेदना का उन्होंने और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया। ऐसे जब ऐसे होनहार बच्चे हों तो हम लोग वास्तव में ये कह सकते हैं कि राष्ट्र का भविष्य वास्तव में सुरक्षित हो। तो कुछ बहुत सामान्य से 1100 रुपये की धनराशि सम्मान स्वरूप और एक कहना चाहिए धन्यवाद की प्रतीक के रूप में दी गई और एक